हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं आज आपको द हिंदू नीचे पर ये जो एडिटोरियल पेज है उसका जो वोकैबुलरी है मैं आज आपको बोलने जा रहा हूँ। इसको ज़रूर याद कीजिए, ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए एक या दो क्वेश्चन हो सकता है, ज़रूर याद कीजिए। फर्स्ट वर्ड रॉपचर, एक तो भार वर्ड है जिसका मीनिंग है खोजना, और ब्रेकअप सिनोनिम्स है, समानार्थक बोधक शब्द है, ब्रेकअप हो सकता है, डिसरप्ट हो सकता है। एंटोनिम्स जिसका मीनिंग है विलोम बोलते हैं, विलोम है यूनाइट कनेक्ट। अगर सेंटेंस का एग्जांपल लेंगे तो द रॉप्टर विथ हिज फादर वुड नेवर बीन हील्ड। नंबर टू वर्ड है रैंकिल, वो भार वर्ड है जिसका मीनिंग है खिजना और चिड़ाना, और इसका एक्चुअल मीनिंग है टू कॉज बिटरनेस और इरिटेशन। सिनोनिम से समानार्थक बोधक शब्द है एनाय और एम्बिटर। एंटोनिम से विलोम शब्द कंफर्ट स्पेसिफाई। इसका एग्जांपल सेंटेंस के हिसाब से अगर देंगे तो सरिका वाच रैंकेट वाहली हासरसन। नंबर थ्री द वर्ड इज एकिन, विच इज ए एडजेक्टिव वर्ड। इसका मीनिंग है समान, सिमिलर इन नेचर। सिनोनिम्स और समानार्थक बोधक शब्द है एनालॉगस, कंपेरेबल। एंटोनिम्स और विलोम शब्द है डिसिमिलर, अनलाइक। अगर सेंटेंस के हिसाब से इसको हम यूटिलाइज करेंगे तो है एग्जांपल है समथिंग एकिन टू ग्रैटिट्यूड ओवरव्हेल्म्ड हर। नंबर चार वर्ड स्निच, वो भार वर्ड है। इसका मीनिंग है प्रकट करना और रिवील। सिनोनिम्स है और समानार्थक बोध शब्द है डाइवल्जी और एविंस। एंटोनिम्स जो विलोम शब्द है कंसील, सप्रेस। अगर स्निच वर्ड को हम यूटिलाइज करेंगे सेंटेंस में तो होगा टुडे अक्षिमा इज गोइंग टू स्निच हर सीक्रेट, प्रकट और प्रकट कर देना। पांच नंबर वर्ड है फोरे, जो नाउन वर्ड है। इसका मीनिंग है धावा और रेड। सिनोनिम्स और समानार्थक बोधक शब्द है इन्वेजन, इरप्शन। एंटोनिम्स से आइडिलनेस, लेजीनेस। इस वर्ड को हम सेंटेंस में यूटिलाइज करें तो ही मेड ए फोरे अगेंस्ट देयर कैंप। दिस वन इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, रिमेंबर दिस। नंबर सिक्स वर्ड है ब्रुक्स, एडजेक्टिव है, बी अदब और ब्लंट इन मैनर और हार्श स्पीच। सिनोनिम्स और समानार्थक बोधक शब्द है ग्रब, डिसकोर्टियस। एंटोनिम्स है और विलोम शब्द है पोलाइट और काइंड। एग्जाम्पल में अगर इसको यूटिलाइज करें तो ही चाइल्ड इज ब्रक्स एंड इम्पेशेंट इन नेचर। नंबर सेवन द वर्ड इज फ्रैकास, व्हिच इज ए नाउन वर्ड। इसका मीनिंग है दंगा और कोलाहल, ए नॉइजी डिसएग्रीमेंट। सिनोनिम्स और समानार्थक बोध शब्द है कमोशन, डिस्टर्बेंस। एंटोनिम्स और विलोम शब्द है एग्रीमेंट और हारमोनी। अगर फ्रैकास वर्ड को सेंटेंस में यूटिलाइज करें तो है उसका एग्जांपल है द स्टूडेंट वेयर सस्पेंडेड फ्रॉम द क्लास व्हेन दे स्टार्टेड ए फ्रैकास। नंबर एट द वर्ड इज फियाट, विच इज ए नाउन वर्ड। इसका मीनिंग है आज्ञाप्ति और ऑर्डर। सिनोनिम्स और समानार्थक बोध शब्द है कमांड, डिक्टम। एंटोनिम्स और विलोम शब्द है ओपोजिशन, डेनियल। अगर फियाट वर्ड को हम यूटिलाइज करते हैं सेंटेंस में द चीफ मिनिस्टर लेटेस्ट फियाट प्रोहिबिट द च्यूइंग ऑफ टोबैको इन ऑफिस। नंबर नाइन द वर्ड इज फुलक्रम, व्हिच इज ए नाउन वर्ड। इसका मीनिंग है आधार और बीकिंग। सिनोनिम्स और समानार्थक शब्द है फाउंडेशन, बेस। एंटोनिम्स और विलोम शब्द है एक्सटेरियरिटी, एक्सटर्नालिटी। अगर फुलक्रम शब्द को हम सेंटेंस में यूटिलाइज करें तो इसको बोलते हैं रिसर्च इज द फुलक्रम ऑफ द एकेडमिक कम्युनिटी। नंबर टेन द वर्ड इज एफिगी, व्हिच इज ए नाउन वर्ड। इसका मीनिंग है पुतला और डमी। सिनोनिम्स और समानार्थक शब्द है स्टैच्यू, फिगर। एंटोनिम्स और विलोम शब्द है एंटाइटी, बेइंग। अगर एफिगी वर्ड को हम सेंटेंस में यूटिलाइज करें तो द फिंगर सेट फायर टू एन एफिगी ऑफ द डायरेक्टर।